जिनके सानिध्य में, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके निर्देशन में हम चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो हमारे परिसर के निदेशक प्रोफेसर बनमाली विश्वाल जी हैं। साहित्य के प्रति गहरा अनुराग रखने वाले हैं। जब हम उनके सानिध्य में काम कर रहे हैं, तो हमें उनके काव्य से रूबरू होने का मौका मिला है और हम उनसे बहुत कुछ सीखते आ रहे हैं। उनके संदर्भ में मैं दो पंक्तियों से उनका आह्वान और स्वागत अभिनंदन करना चाहूंगा कि साहित्यक आपका व्यवहार माँ सुरसुरिया बयारच, आपका व्यवहार माँ सुरसुरा बयार, गहरा ज्ञान का बाठा छन आप, गहरा ज्ञान का बाठा छन आप, साहित्य का हिमालय छन आप, साहित्य का हिमालय छन आप, काव्य का ऊंचा कांठा छन आप, काव्य का ऊंचा कांठा छन आप। यानी आप ज्ञान के भंडार हैं, साहित्य के हिमालय हैं और काव्य के ऊंचे शिखर हैं। मैं आपका आह्वान करता हूं आज के कार्यक्रम में अध्यक्षीय संबोधन और हमें आशीर्वचन प्रदान करने के लिए, प्रोफेसर बनमाली विश्वाल जी। सभी को मेरा नमस्कार। आज परिसर द्वारा आयोजित इस मातृभाषा दिवस कार्यक्रम में आप सभी सुधीजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मुख्य वक्ता जागर सम्राट प्रसिद्ध लोक गायक पद्मश्री डॉक्टर प्रीतम भरतवाण जी, जो कि कार्यांतर से अभी यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। मुख्य अतिथि प्रसिद्ध लोक कवि हास्य कवि श्री मुरली दीवान जी, सारस्वत अतिथि प्रसिद्ध लोक भाषा श्री दीपक बुजवालन जी एवं इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे परिसर के अंग्रेजी भाषा के अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर अवधेश बिजलवान जी। इस कार्यक्रम के सफल संचालक हिंदी एवं गढ़वाली भाषा के प्रसिद्ध कवि कथाकार पत्रकार डॉक्टर बर्तवाल जी और इस कार्यक्रम हमारे परिसर के सभी आचार्य प्राध्यापक एवं छात्र छात्राओं, मैं अपना वक्तव्य प्रसिद्ध उड़िया कवि गंगाधर मेहर, जिन्हें हम स्वभाव कवि या प्रकृति कवि के रूप में जानते हैं, उनकी दो पंक्तियों से अपना वक्तव्य शुरू करना चाहता हूं। मातृभूमि मातृभाषा र ममता जाहृदे जनमी नाही, ताकु जेबे ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञानी रहिबे कहीं। इसका अर्थ थोड़ा सा बता देता हूं। मातृभूमि और मातृभाषा की ममता जिसके हृदय में नहीं जन्मी है, उसे अभी जब हम ज्ञानी कहेंगे तो अज्ञानी कहाँ रहेंगे, तो अज्ञानी किसको कहेंगे। तो भाषा इतना सरल है कि ये भी आप लोगों के तक ऐसे ही, मैं अर्थ भी नहीं बताता तब भी पहुंच सकता था। तो मातृभाषा का जो इतिहास है बिजलवान जी ने एवं बर्तवाल जी ने गढ़वाली भाषा में बताया है, तो दो शब्द केवल मैं हिंदी भाषा में थोड़ा सा बता बताकर मैं एक्चुअली दो कविताएं, दो तीन कविताएं छोटी छोटी उड़िया भाषा में सुनाना चाहूंगा। तो विश्व में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जिसे 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने इसे स्वीकृति दी है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि विश्व में भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता
और बहुभाषिता को प्रश्रय मिले, बढ़ावा मिले। यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की घोषणा से बांग्लादेश के भाषा आंदोलन दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली है, जो बांग्लादेश में वर्ष 1952 से मनाया जाता रहा है, और वहां यह दिवस एक राष्ट्रीय अवकाश के रूप में भी मनाया जाता है। 2008 को अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष घोषित करते हुए संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को के महत्व को फिर से दोहराना शुरू किया है। यहाँ जो मातृभाषा में जो मातृ शब्द है, उसकी वजह से इसके भाव और अर्थ को समझने में कहीं कहीं भ्रांति कह सकते हैं या कहीं कहीं दिक्कत भी हुई है। दरअसल मातृभाषा शब्द अंग्रेजी शब्द मदर टंग, इसका एक शाब्दिक अनुवाद है। मातृभाषा बहुत पुराना शब्द नहीं है, पर इसे बहुत पुराना सिद्ध करने के लिए, प्राचीन सिद्ध करने के लिए कुछ विद्वान अक्सर इसे ऋग्वेद की एक मंत्र से इस शब्द को जोड़ते हैं। यह ऋग्वेद का मंत्र है, इला सरस्वती महित तिस्रो देवीर मयो भुवः। इसका अर्थ इस प्रकार किया गया है, मातृभाषा मातृ संस्कृति, अगर इला शब्द को पहले रखें तो मातृ संस्कृति पहले कहें, मातृ संस्कृति, मातृभाषा और मातृभूमि, ये तीनों सुखकारिणी देवियां स्थिर होकर हमारे हृदयासन पर विराजें, इस मंत्र का इस तरह से अर्थ किया जाता है। तो इस मंत्र के आशय को लेकर के अंग्रेजी में इसे अगर कहें, वन शुड रेस्पेक्ट हिज मदर टंग, न मदर लैंड, हिज कल्चर एंड हिज मदर टंग, बिकॉज दे गिव अस हैप्पीनेस, वो हमें प्रसन्नता प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। अब वस्तुतः ये वैदिक मंत्र में मातृभाषा शब्द का तो उल्लेख है नहीं, और इला और मही शब्दों का हम यथाक्रम संस्कृति एवं मातृभूमि से अनुवाद करते हैं, और सरस्वती का अनुवाद मातृभाषा से करके ये अर्थ हम निकालते हैं। लेकिन वस्तुतः वेद में जो सरस्वती शब्द है वो सरस्वती वाक के लिए प्रयोग हुआ है, इसको भाषा आप कह सकते हैं, मातृभाषा ऐसा अर्थ उसमें द्योतित ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन तो भाषा वेद के समय की भाषा क्या है? वैदिक भाषा है। तो वैदिक भाषा अगर उसी समय बोली भी जा रही होगी तो मातृभाषा भी हो सकती है। खैर, इसमें अधिक शोध की आवश्यकता है तो इस पर बोलना नहीं है। जो हमारे दीपक बिजलवान जी बता रहे थे, अच्छी बात कह रहे थे मातृभाषा को लेकर के, कि मातृभाषा हम जिस भाषा में सोचते हैं, हमारी बोलने की भाषा और सोचने की भाषा अलग होती है, कहीं कहीं एक भी होती है। जो बहुभाषी होते हैं, जो अनेक भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे हम हैं, तो उन लोगों के साथ ये होता है कि हम सोचते हैं किसी भाषा में, तो जो जिस भाषा में हम अपने जो मातृभाषा है उसमें सोचना शुरू करते हैं और उसी में सोचते रहते हैं। और देखिए, मैं उड़िया मेरी मातृभाषा है, मेरा सोच मेरा चिंतन हमेशा उड़िया भाषा में हुई। वस्तु तो मेरा जो साहित्य आप देखेंगे, मैं पहले उड़िया भाषा में सोचता हूँ, फिर अन्य भाषाओं में लिखता हूँ, संस्कृत में लिखता हूँ या हिंदी में लिखता हूँ कह सकते। लेकिन दीर्घ काल उड़ीसा से बाहर रहने के कारण अब मुझे लगता है कि मेरी मेरी सोच मेरी चिंतन जो है हिंदी में भी होने लगी। ये बदल जाता है, हमें मालूम नहीं है कि
हमारी सोच की भाषा, जो चिंतन की भाषा एक नहीं रहती है। फिर धीरे धीरे हम सहज, जिस भाषा में सहज होते जाते हैं, वही भाषा हमारी चिंतन की भाषा, सोच की भाषा हो जाती है। जैसे मेरे केस में हुआ, मैं आजकल उड़िया में चिंतन नहीं कर रहा हूँ, अब उड़िया जब बोलता हूँ थोड़ा अटपटा साहब बोलता हूँ। इसका कारण यही है, क्योंकि उड़िया अभी सोच में नहीं है। हम हिंदी में सोचते हैं, और हिंदी में सोचते हैं तो जो हिंदी का जो प्रभाव है वो हमारे पर आ जाती है, हमारी भाषा पर भी आ जाती है। हम उड़िया में कहेंगे अभी तो थोड़ा सा उसमें हिंदी का भी ये जो रंग दिखने लगेगा। हम संस्कृत में कहेंगे, अगर आप सोचते हैं हिंदी में, तो उसमें भी आपका हिंदी का रंग भी दिख सकता है। कहने का तात्पर्य ये है, तो वही है एक्चुअली मातृभाषा, जिस भाषा में हम सोचते हैं। अब ये इसलिए मातृभाषा का तात्पर्य ये होना चाहिए, बच्चे का शैशव जहां बीतता है उस माहौल में ही जननी का भाव होता है। जिस परिवेश में वो बढ़ा गया है, गढ़ा गया है, जिस भाषा के माध्यम से वो अन्य भाषाएं सीख रहा है, जहां विलसित पल्लवित हो रहा है, वही इसकी मातृभाषा है। इस तरह से मातृभाषा की परिभाषा हम कर सकते हैं। हम जैसे अपने बच्चियों के प्रसंग में अगर बात करें, हमारी कन्याओं के प्रसंग में, उनकी मातृभाषा क्या होगी? ये शुरू में इलाहाबाद में जन्म हुए और इलाहाबाद में पले बढ़े, और हिंदी इनकी स्वाभाविक भाषा है, लेकिन हम घर में उड़िया उड़िया बोलते हैं। हम पति पत्नी जब बात करते हैं तो उड़िया में बोलते हैं। ये लोग सुनते रहते हैं उसको, लेकिन उनके संस्कार तो बनती है, लेकिन उनकी सहज भाषा उड़िया नहीं है, क्योंकि वो उड़िया भाषा में सोचते नहीं है, उनका चिंतन उड़िया भाषा में नहीं है। तो इसलिए क्या उनकी मातृभाषा हम उड़िया कह सकते हैं? ये कहना थोड़ा सा कठिन ही होगा। वो बच्चा, अगर मैं केवल उदाहरण के लिए अपनी बच्चियों का उदाहरण दिया, कोई भी बच्चा, कोई भी बालक या बालिका जहां पला बड़ा है वहां की भाषा अलग है और माता पिता की भाषा अलग है, तो उसकी मातृभाषा क्या होगी? वो बच्चों के साथ साथ जब खेलता है और सारे जो व्यवहार करता है वो तो हिंदी भाषा में करता है, उड़िया का भी कोई बाहर है तो हिंदी भाषा में करता है, तो वो उड़िया इनका सहज कैसे हो सकता है? तो उड़िया इसको मातृभाषा कैसे कहेंगे? हाँ, मातृ शब्द को लेकर के ही हम लोग, माता जो भाषा बोलती है वही भाषा मातृभाषा, जब हम ये अर्थ करने लगते हैं तब ऐसा अर्थ हम ले सकते हैं, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। अगर कोई उड़ीसा का व्यक्ति है जिसकी पत्नी अन्य प्रदेश से है, उसकी भाषा उड़िया नहीं है, तो वो अगर कोई भी जो भी जिस प्रदेश से है और जहां की है उस भाषा को बोलती है, तो बोलने के कारण बच्चे उससे वही भाषा सीखते हैं, कुछ सीखते हैं या कुछ पूरा सीख भी नहीं पाते हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा? माँ पिता का भाषा, पिता की भाषा अलग है, माता की भाषा अलग है, जो परिवेश में वो रहता है वो भाषा अलग है, तो उसकी मातृभाषा क्या होगा? उसकी मातृभाषा क्या होगी? कि पिता की भाषा मातृभाषा होगी, माता की भाषा मातृभाषा होगी, या फिर जो परिवेश में वो पलता बढ़ता है वो भाषा मातृभाषा होगी? मेरे मत में ये जो अंतिम हमने ये परिभाषा दी थी, जिस माहौल में वो पलता बढ़ता है, जिस परिवेश में पलता बढ़ता है, वही स्थान जो है उसकी जननी है, और इसलिए वो जो वहां की जो भाषा है वही उसकी मातृभाषा होनी चाहिए, और होने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मातृभाषा तो एक ही होगी किसी का भी, और कई भाषा मातृभाषा नहीं हो सकती है। जो अत्यंत सहज और सरल भाषा जिसका जिसकी किसकी है वही उसकी मातृभाषा होनी चाहिए, और इस पर बहुत अभी शोध की भी आवश्यकता है। ये इदम इत्थम कुछ कहा नहीं जा सकता है, मेरे मन में ऐसे ही कुछ विचार आए, हमने बोल दिया, हमने ये ऐसा कुछ बोल दिया है। इसमें आप लोग सब इसका अनुभव आप लोग भी करते हैं। खैर, भाषण ज्यादा करने से अच्छा है कि थोड़ी सी मैं इसमें कविता भी उड़िया भाषा में थोड़ा सा सुना दूं।
पहले और ये मेरा एक उड़िया कविता संग्रह है वो बंच तुम्हें मोआयुसो नहीं, वहीं से एक दो छोटी छोटी कविता में सुनाना चाहूंगा। यह कविता है तुम स्मृति र ट्रेन यात्रा, आपकी स्मृति की ट्रेन यात्रा, तुम्हारी स्मृति की ट्रेन यात्रा, ऐसा है वो। भाषा इतना सरल है और भाषा उड़िया की जो है संस्कृत निष्ठ भी होती है, इसलिए मैं इसका अर्थ नहीं बताऊंगा, जो आप लोग जितना समझ लेंगे उतना ही पर्याप्त है मेरे लिए। तुम्हें क्या मने पड़ गला धुआं पुले छाड़ी स्टेशन छाड़ीबा पाई ट्रेन जेबे हुईसिल दिए, तुम्हें भी तो मने पड़ अंका बंका रास्ता दे बिल बण पारी होई नई नाल डेई डेई विलंब मेकअप पाई ट्रेन जेबे बेगे बेगे थाए। तुम्हें क्या मने पड़ चेन पुल हेले हेले छोट स्टेशन रे जेबे गाड़ी छिड़ा हुए, तुम्हें भी तो मने पड़ लाइन क्लियर पाई अरणा भूई रे जेबे घंटा घंटा गाड़ी सोई जाए। एटे लाइन क्लियर चेन पुल ये शब्दों को यथावत हमने रखा है क्योंकि आप अन्य भाषाओं में उसको ऐसा अनुवाद नहीं कर पाएंगे, हिंदी में भी दिक्कत होगी। ये कविता है बादल जो मेघ के अर्थ में है। गृहहीन अनाथमु गृहहीन अनाथमु निसंग निसहाय आगरे मो असरंती यात्रा घर नहीं ठिकाना भी नहीं ज्ञातियो कुटुंब हरा अतिक्रमी चालीछि मु सुदीर्घ ओ दिगहीन रास्ता अक्लांतमु आपद विपदे अनेकंकु सहाय होईछि विपदरे पड़ी जेबे सहायता टिके पई एणे तेणे मु भी धाईछि मोते टिके आसरा मिली नाही मु नियाश्री खरा वर्षा सही एबे भी तो बाहर बुलुछि जाने ना मु मो मृत्यु रे केही केबे कांदीबो कि नाही समस्ते तो देखिथिबे निज लुह लहू करी निजा लहू लुह करी मतलब अपने खून को आंसू बना करके निजा लहू लुह करी मु किंतु अन्य पाई केते न कांदी छे। ये कविता है दीप उसी धारा में है। दुनिया रा हित पाई निजे जली पाउस हेलुं निजे भी जानिनु केबे जली जली निज सत्ता हराई बसिबु तथापि करिछु पण तो देहे समस्त शक्ति निशेष न होबा जाए जलिबु तू जलुथिबु पर पाई अवश्य जलिबु। ये कविता है बारांगना। के बिकुची मान एठी किए बा सम्मान के बिकुची बिकुची मतलब बिक रहा है बिक रही है के बिकुची मान एठी किए बा सम्मान कला किए बिकुअछि किए बा बल धन एठी बिका हुए मन जा पाखे ये सबु नाही सी आउ कौन बिकिब बंचिबा पाई तो एठी किछि गोटे बिकिबाकु हेब तार की दोष अनिच्छारे पेट पाई सीए जदि बिकुछि जौवन उसमें उनका क्या कसूर है उनको अगर जौवन बिकने की जरूरत पड़ रही है। ये है भाव तो आप लोग समझ रहे हैं। एक कविता कविता क्या है एक है कविता शीर्षक है मनर भाव को मोर सजाइली भाषार तुली रे मनर भाव को मोर सजाइली भाषार तुली रे भावरे गदगद होई गाइली भी दरदी कंठरे मनर कोह को चापी आखिर लुह को रोकी दुर्दिन रे हसीबार अभिनय कली जाने ना मो अज्ञात रे की भाषा कहिली से भाषा कविता हेला मु आज प्रतिष्ठित कवि। एक और छोटी सी कविता बस सुना करके मैं अपने को ये करूंगा। तो अजात शत्रु अजात ये शिशु पाई मारे अपूर्व दरद
अकातरे बांटी दिए निज पड़ी दुई भाग करी जानिबा को चेष्टा भी करेनी ता अधारू अधा खाई पेटरे बढ़ुची जिए मित्र हेब अबा हेब से अजात शत्रु। ये बच्चा जो माँ के पेट में पल रहा है वो क्या है, वो आगे आकर के क्या होने वाला है वो नहीं जान करके वो मित्र भी हो सकता है शत्रु भी हो सकता है, लेकिन ये जाने हुए बिना जानते हुए बिना माँ जो है अपने जो आहार है उसको उनको आधा बांट देती है, वो उसके लिए अपना अपना दर्द भी इसी प्रकार से होता है। तो इस तरह के कुछ भाव है। और लास्ट है एक मृत्यु। मृत्यु क्या है? मृत्यु दिए नुआ जीवन रो आशा, मृत्यु पाई जीवन रो नुआ गीत शुणीवा पिपासा, मृत्यु भये ए जीवने दीर्घ आयु जीवार तृषा, अन्याय दुर्नीति आदि समाज रे जेते प्रतारणा से सबुर विनाशार्थ मृत्यु दिए प्रतिवाद करिवार करिवा प्रेरणा। और एक विप्रलम्ब श्रृंगार का एक 2000 पंक्ति की कविता सुना करके मैं विराम लूंगा। धन्यवाद भूलिना हम होते भाग्य थिले देखी थांती हलदीरे जुड़ु बुड़ु कुंकुम अलता बोला हाथ पाद मंगन बेलारे होम धुआ रंगा आखि हाथ परे हाथ थापी तुमे ओ मु बसीथिबा पवित्र बेदीरे धन्यवाद भूलिना हम होते से हलदी कुंकुम अलता देखुची मु आज तुम हाथ लेखा विवाह पत्र रे। बस पहला ही बहुत दिनों के बाद अवसर मिला है उड़िया में कुछ सुनाने के लिए, इसलिए के बस एक 2000 पंक्ति और सुना करके बस मैं खत्म करूंगा। भिन्न एक जक्ष, एक अलग प्रकार का जक्ष में हूँ, तो ऐसा ऐसा भाव कवि कहता है। जाने ने मु अभिशाप किए दला मोते केते दिन गला आउ अच्छी दिन केते असह्य मो विरह वेदना तलु रामगिरी जक्ष पुणी नहीं जन्म मो विरहे इति नहीं राति राति उजागरे भिजुचि पलक प्रदर्शन करु नहीं किंतु दुर्बलता देखी काले हसीदेव लोक देइथिले महाकाल देइथिब साप बरस दिवर्ष अबा पुराए जन्म जक्ष सिना आठ मास सही नहीं प्रति मुहूर्तरे किंतु संतप्त मो प्राण सही पारिलानी जक्ष बर्षार गोटे दिन बरसार गोटे भी दिन आषाढ़ प्रथम दिन रे मेघ को बारता दे कहिला कषण मु जानेनी भोगीबु मु केतोटी बरसा मु जानेनी भोगीबी मु केतोटी बरसा मो पाई सबु ऋतु वर्षा ऋतु सबु मास आषाढ़ श्रावण तुम कथा मने पड़गले मु शुणे बैशाखरे आषाढ़ मेघ गरजन। धन्यवाद। कविता के बाद और कुछ बोलना उचित नहीं है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अब मैं बहुभाषीविद प्रोफेसर बनमाली बिश्वाल जी हमारे जो निदेशक महोदय है उनके